यह है आपकी हिंदी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का भाग दो व्याकरण। व्याकरण का पढ़ेंगे पहला पार्ट भाषा। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा क्या होती है? जो आप दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आप इसको यूज करते हैं, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, ये भी क्या है? भाषा। मैं पढ़ा रही हूँ, बोलकर पढ़ा रही हूँ। किसके जरिए पढ़ा रही हूँ मैं आपको? भाषा के जरिए। ये क्या होती है हमारी भाषा? मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, मनुष्य नहीं पशु पक्षी सभी अपने विचार किसके माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं? भाषा के माध्यम से। वह क्या कहलाती है? भाषा। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है या उनके भाव समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। बच्चों आप अपनी कोई भी बात समझाते हैं या मम्मी से कोई चीज मांगते हैं या किसी से अपनी बात कहते हैं, तो वो बात अपनी आप किसके माध्यम से पहुंचाते हो या किसके माध्यम से कहते हो? भाषा के माध्यम से। ठीक है, भाषा। जैसे पशु की भी अपनी एक भाषा होती है, मनुष्य की एक भाषा होती है, जानवरों की भी एक भाषा होती है। हाँ बच्चों देखो, हर भाषा की एक वर्णमाला होती है। भाषा किससे बनती है? वर्णों से। आपने थर्ड या सेकंड क्लास में वर्णमाला पढ़े होंगे। वर्ण क्या होते हैं? ए आ ई ई उ ऊ और के खे गे रे, आपने पढ़े। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। इस वर्णमाला से क्या बनती है? भाषा। भाषा का अपना क्या होता है? एक क्रम होता है। क्रम मतलब आप कोई वाक्य बोलते हैं, मुझे फल चाहिए, ये एक शुद्ध क्रम है। किसका? भाषा का। अब आप इसको बोलेंगे, मुझे कल एक चाहिए, क्या चाहिए, ये अशुद्ध है, हम इसे समझ नहीं पाते। यानी भाषा का एक शुद्ध और एक क्रम होता है जिसे हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, भाषा की लिपि होती है। आप लिखते हो उसे क्या कहते हैं? लिपि। लिखने के माध्यम को हम क्या कहते हैं? लिपि। अब हर एक भाषा की अपनी एक क्या होती है? लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाई जाती है? देवनागरी लिपि। भाषा में वो क्या होते हैं? शब्द। शब्द लिखते हैं, जैसे मौखिक ये अपने आप में एक शब्द है। मैं रे चे ये शब्द नहीं होते हैं, ये वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। जैसे राम ये एक शब्द है, और फल शब्द है, तरबूज शब्द, ये क्या होते हैं? शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। और भाषा में क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। जैसे राम जाता है ये एक पूरा वाक्य है, हम खाते हैं ये क्या है? पूरा वाक्य। मुझे भूख लगी है ये क्या है? एक वाक्य। मतलब हर भाषा में क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, नियम होते हैं। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण होता है, आप गलत उच्चारण करते हो तो गलत माना जाता है। जैसे मैं रोज खाने खाता हूँ, आपने क्या बोला? खाने। मतलब खाते क्या है आप? खाना। तो इसका क्या शुद्ध उच्चारण क्या हुआ? खाना। आप खाने बोलेंगे या खानू बोलेंगे तो ये इसका क्या हो गया? अशुद्ध उच्चारण। मतलब हर भाषा का अपना क्या होता है? शुद्ध उच्चारण। ये भाषा के क्रम होते हैं जो भाषा में हमें पाए जाते हैं। जैसे वर्णमाला, सबसे पहले वर्णमाला, ये वर्णों से मिलकर बनती है। ये वर्ण होते हैं जैसे भै के ए कर, ये सब क्या है? वर्णमाला। उनका एक क्रम होता है। इस वर्णमाला का भाषा का क्या होता है? एक क्रम। नेक्स्ट लिपि। हर भाषा की क्या होती है? अपनी एक लिपि होती है। जैसे ये शब्द लिखे हैं, इसे हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि बोलते हैं, ये लिपि होती है। शब्द दो वर्णों से मिलकर एक पूरा एक शब्द बनता है। जैसे भ और स से मिलकर क्या बनता है? भाषा। वर्ण किससे चलते हैं? स्वर से। ठीक है, इसमें हमने आ की मात्रा लगाई, स पर आ की मात्रा, तो ये पूरा क्या बन गया? एक शब्द। तो भाषा में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, ये एक पूरा
जैसे भाषा की लिपि होती है, ये क्या है, पूरा एक वाक्य कहलाता है। नियम होते हैं, कुछ नियम बता, जैसे पहले हमें ये लिखना है कि हम जो चीज मांग रहे हैं, वस्तु उसका नाम, स्थान का नाम, मतलब ये नियम वाइज हम इन्हें भाषा में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। शुद्ध उच्चारण, हर वाक्य शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध वाक्य पूरा नहीं माना जाता है। हर देश में, हर प्रदेश में अपनी अपनी अलग अलग अपने क्षेत्र की क्या होती है, भाषा होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, असमिया, ओडिया, उर्दू, संथाली, ये भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है। कुछ भाषाएं हैं जो आपको यहाँ बताई गई है, ये कहाँ बोली जाती है, हमारे भारत देश में, ठीक है। जैसे ये आप गुजरात में बोलते हो गुजराती भाषा, राजस्थान चले जाओ तो वहाँ आपको कौन सी भाषा सुनाई देती है, राजस्थानी, आसाम की तरफ आसमिया भाषा। तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक भाषा होती है। ये देखो ये वाक्य है बच्चों, ये कुछ वाक्य यहाँ बताए गए हैं, जैसे चाचा जी नमस्कार, ये बच्ची की क्या भाषा, ये भाषा के जरिए क्या समझा रही है, इनका अपने चाचा जी का आदर कर रही है, क्या कहकर, नमस्कार कहकर, मतलब ये आदर पूर्वक भाषा का यूज कर रही है और अपने चाचा को नमस्कार कर रही है। और ये बात करके, हम किसी से बात करते हैं, आप किसी की बात सुनकर समझकर ही उसका क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, ठीक है बच्चों। भाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, आप भाषा यूज करते हो, भाषा का प्रयोग करते हो तो उसमें दो भाषाएं आपको मिलती है, दो भाषाएं। भाषा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, पहली होती है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अच्छा बच्चों आपको भाषा समझ में आई, भाषा क्या होता है, भाषा की देखो परिभाषा देखते हैं हम यहाँ। भाषा, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव प्रकट करता है और दूसरों के विचार या भाव समझता है। भाषा, हम कोई भी बात हम किसके माध्यम से समझाते हैं, भाषा, हमें अपनी बात या अपने मन की बात किसी को भी बतानी या समझानी होती है तो उसे हम लिखकर या बोलकर बताते हैं या समझाते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक भाषा कौन सी होती है, मौखिक, मौखिक जो मैं बोल रही हूँ ये भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा बोलकर बताई जाती है। और लिखित भाषा लिखकर, जैसे ये देखो ऊपर चित्र में हमने देखा था, ये देखो ये लिखित भाषा, लिखने को क्या कहते हैं, लिखित भाषा, और बोलने को ये बोलकर अपनी मम्मी को समझा रही है, इसे कहते हैं हम मौखिक भाषा। यानी भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। और मौखिक भाषा, मौखिक भाषा के माध्यम से बोलकर विचारों और भावों का आदान प्रदान होता है। मौखिक भाषा से हम बोलकर, बोलकर अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमको किसी से पूछना है आपका नाम क्या है, तो सामने वाला आपको आपका नाम बताता है, आपने उससे बोलकर पूछा तो वो बोलकर बताता है। तो ये भाषा कौन सी हो गई हमारी, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा, लिखित भाषा द्वारा लिखकर विचारों और भावों का आदान प्रदान होता है। लिखित भाषा, लिखित भाषा हम लिखकर विचारों का इससे क्या करते हैं, आदान और प्रदान। यह है बच्चों आपकी भाषा, समझ में आई पूरा इस पाठ का क्या सार है, भाषा, भाषा नॉर्मल क्या होती है, जिससे हम अपने भाव, अपने
अपने विचार एक दूसरे को समझाते हैं या समझते हैं वो क्या कहलाती है भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। कौन से दो रूप पढ़े थे हमने? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा लिखकर इस भाषा के माध्यम से, यानी लिखित भाषा का माध्यम क्या होता है? लिखित होता है। हम लिखकर भावों को एक दूसरे के आमने सामने प्रकट करते हैं। और मौखिक भाषा बोलकर। मौखिक भाषा का क्या रूप हो गया? मौखिक, मुंह के द्वारा बोलकर। बोलकर हम भावों का क्या करते हैं? आदान प्रदान। ये हो गई हमारी भाषा कंप्लीट। और भाषा किसके ऊपर, किसके माध्यम से चलती है? भाषा किसके माध्यम से चलती है? वर्णमाला। वर्णमाला और हर भाषा का क्या होता है? अपना एक क्रम। फिर क्या बताया था? शब्द क्या और वाक्य और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध रूप, ये भाषा के माध्यम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा भाषा। इसे आप अच्छे से ग्रामर का पहला बार आप पढ़ना। भाषा किसे कहते हैं? भाषा को आप पढ़ेंगे फिर इसको समझना जो वीडियो में समझाया है। अब हम करेंगे बच्चों इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? पाठ में पढ़ाया था किसे कहते हैं। नॉर्मल आप यूज करते हो भाषा। आप सोचो, भाषा होती है जिसे हम सुनकर बोलकर समझकर आप अपने विचार बताते हो, प्रकट करते हो, भाषा होती है। अब इसको हम एक सटीक लैंग्वेज जो हिंदी में काम में लाई जाती है, यूज की जाती है, उसे हम शुद्ध उच्चारण में बना देंगे। यानी भाषा वह साधन है, ये शुद्ध उच्चारण, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार या भाव समझता है। क्या कहलाती है? भाषा। यानी बातों को समझना और समझाना, नॉर्मल लैंग्वेज, बातों को समझना और समझाना भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? प्रश्न दो है, भाषा के कितने रूप होते हैं? हमने दो रूप पढ़े थे। आप दो भाषाओं को प्रमुख रूप से, कौन सी दो भाषा है? आप एक तो लिखते हो, लिखकर किसी को समझाते हो, और दूसरी बोलकर। यानी पहली हो गई लिखित भाषा और दूसरी हो गई मौखिक भाषा। आप नॉर्मल डेली यूज करते हो, बोलना और लिखना, तो यही दो क्या होते हैं? भाषा के रूप होते हैं। सॉरी बच्चों, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। प्रश्न तीन है, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं पांच भाषाओं के नाम लिखिए। मैंने जैसा ऊपर आपको पाठ में पढ़ाया था, भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, एक भाषा तो नहीं बोली जाती। आप जगह जाते हो, कहीं दूसरे शहर जाते हो, दूसरी सिटी घूमने जाते हो, तो आपको वहाँ अलग भाषा सुनाई देती है। तो भाषा में अनेक प्रकार की, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, ये कहाँ बोली जाती है? सब भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। इनमें से आपको कोई भी पांच भाषा अपनी मर्जी से आपको यहाँ इस प्रश्न में, प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। मैंने क्या पूछा है प्रश्न? भारत में बोली जाने वाली किन्हीं पांच भाषाओं के, आपको पांच भाषाओं के नाम लिखिए। मैंने यहाँ लिखी है, भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, नेपाली और आदि। यानी अनेक और भाषाएं, आदि का मतलब होता है और भी अनेक भाषाएं हैं जो हमारे भारत देश में बोली जाती है। आप यहाँ बच्चों और भी भाषा का यूज कर सकते हैं। प्रश्न चार है, सही भाषा का मिलान कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों इधर आपको भाषाओं के नाम दिए गए हैं, इधर क्षेत्र के नाम, तो आपको इनसे सही भाषाओं का मिलान करना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। इसमें पहला दिया है आपको गुजराती, गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। सेकंड है सिंधी, सिंधी कहाँ? सिंध प्रांत। नेक्स्ट है मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र। तो इसका सही मिलान क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट असमिया, आसाम। राजस्थानी,
राजस्थान में। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न मतलब ऑप्शनल प्रश्न, ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा और इसके चार आपको ऑप्शन दिखवाए गए हैं, इसमें से आपको इसका सही उत्तर पर निशान लगाना है। पहला है, हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं। मैंने बात में आपको बताया था, आप अपनी किसी भी बात को किसके माध्यम से समझाते हैं या बोलते हैं, भाषा के माध्यम से। ठीक है, आप कोई भी बात अपने भाव किस माध्यम से बताते हैं, भाषा। तो हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं, पहला है इसका लिपि, सेकंड वाक्य, थर्ड भाषा, फोर्थ वर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भाषा। आप कोई भी बात कैसे समझाते हो, भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट है सेकंड, भाषा के कौन से रूप होते हैं। हमने भाषा के रूप पढ़े थे, कौन से रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, एक है सांकेतिक भाषा और सभी। इसका उत्तर क्या होगा, सभी। भाषा के ये तीनों रूप होते हैं, तो लिखित और मौखिक, नेक्स्ट सांकेतिक यानी संकेतों द्वारा। आप बोलते हो बीच में किसी बात का इशारा करते हो, वो बोतल मुझे दे दो, आप बताते हो वहाँ एक बोतल रखी है वो मुझे दे दे, तो आप हाथ के माध्यम से क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि आपको वो वस्तु चाहिए, आपको वो चीज चाहिए। तो ये क्या हो गया, हाथ से जो आप इशारा करते हैं या समझाते हैं उसे संकेत करना बोलते हैं। तो भाषा की एक और माध्यम होता है सांकेतिक। तो ये तीनों ही भाषा के क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो इसलिए तीनों ही इसका उत्तर सही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सही पर, सभी पर सही का निशान। तीसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं। ये तो भाषा के कौन से रूप बताए, मतलब जो भाषा के रूपों में आप यूज करते हो, प्रयोग करते हो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, यानी आप अपनी बात को भाषा के कितने माध्यमों द्वारा समझाते हैं, जैसे एक संकेत, मौखिक और लिखित। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस प्रश्न में क्या पूछा है, भाषा के रूप, ये कौन से भाषा के माध्यम है और ये प्रश्न है भाषा के रूप। तो हमने भाषा के कितने रूप पढ़े थे, दो रूप। नेक्स्ट इसका ऑप्शन दिया चार, है तीन, फोर, पांच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दो। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप। नेक्स्ट है फोर्थ, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि मैंने पास में बताई थी, देवनागरी होती है। पहला है इसका ऑप्शन फारसी, दूसरा रोमन, तीसरा गुरुमुखी और देवनागरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है पांचवा, भाषा का अर्थ है। भाषा का क्या अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है इसमें मन के भाव संकेत द्वारा प्रकट करना, दूसरा मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना, तीसरा मन के भाव केवल लिखकर प्रकट करना, चौथा मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। इसका सही उत्तर क्या होगा, चौथा, हम मन के भाव लिखकर और बोलकर दोनों माध्यम से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चौथा, मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाषा, छोटा सा। अभी पूरे पाठ का एक ही बात निकलती है, भाषा, जिसे हम बोलकर या लिखकर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी भाषा का एक छोटा सा अर्थ होता है कि हम अपने मन के भाव या अपनी बात को किसके माध्यम से समझाते हैं, भाषा। यही क्या होती है, भाषा होती है, जो आपने सेकंड या थर्ड में वर्ण और स्वर पढ़े थे, भाषा इसी माध्यम पर, वर्णमाला पर चलती है। ठीक है बच्चों, ये भाषा हो गई कंप्लीट। अब आप इस चैप्टर को पहले वीडियो में देखना, अच्छे से इसको सुनना कि भाषा क्या होती है, फिर आप अपनी ग्रामर की किताब में से, इसका ये पहला पार्ट है,
इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको कराए हैं ये आप फेयर कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में करना, ठीक है। तो इस पार्ट को पढ़ना जरूर, वीडियो देखने के बाद पार्ट आप पढ़ना जरूर, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को, ठीक है। थैंक यू बच्चों।